माँ भगवती पीताम्बरा माई बगला मुखी की साधना करने से होते हैं मनवांछित कामना की पूर्ति। आइए जानते हैं इस विषय पर झांसी महानगर के परम विद्वान आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता एवं ज्योतिष अनुष्ठान तंत्र विशेषज्ञ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। ओम पीताम्बरायै नमः। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। चर्चा करते हैं आज माँ भगवती पीताम्बरा बगला मुखी की साधना किस प्रकार से करें एवं माँ भगवती पीताम्बरा बगला मुखी की साधना या अनुष्ठान करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों की मान्यता है कि 51 शक्तिपीठ एवं 10 महाविद्याओं में से माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी माई का क्रम एक सबसे अलग ही है। जो भी साधक शांत वातावरण एकांत में बैठकर के पीले वस्त्र पहने हल्दी की गांठ की माला से और पीले ही भोजन करते हुए इस अनुष्ठान की साधना को करता है तो माँ भगवती बगलामुखी की कृपा उस व्यक्ति पर उस साधक पर अवश्य प्राप्त होती है। माँ भगवती का ध्यान करते हुए कि जिह्वा ग्रमादाय करेन देवीन वामेन शत्रुन परपीडयंतीम गदाभिघातेन च दक्षिणेना पीताम्बराढ्यं दुग्गजं नमामि। ये माँ भगवती का ध्यान है और इसके बाद में 108 जो माला में गुरिये होते हैं उनको हल्दी की गांठ की माला से ओम ह्रीम बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम मनासा ह्रीम ओम स्वाहा। इस प्रकार से इस बीज मंत्र का जप करें माँ भगवती बगलामुखी की कृपा आप पर अवश्य होगी। चाहे आप शत्रुओं से घिरे हो अथवा आपको सभी प्रकार की सिद्धि कामना की जरूरत हो, सभी प्रकार की कामना के लिए माँ भगवती पीताम्बरा माई कृपा करती हैं। अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार जो अनुष्ठान का क्रम है उसका उसी प्रकार का विधान बताया गया है। शत्रु पराजय के लिए, सर्व कामना सिद्धि के लिए, सुख समृद्धि लक्ष्मी आदि प्राप्ति के लिए सबका जो क्रम विधान है, जो पंचोपचार षोडशोपचार क्रम, उस प्रकार से व्यक्ति को करना चाहिए। अवश्य ही माँ भगवती की कृपा उस साधक पर बनी रहती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।